खाप चौधरी आज एक अनाउंस सीमेंट कर दो आगे नंद भक्तों का इलाज करना। इन नंद भक्तों का एक ही इलाज है, हर गांव में भूस का कोठा है, उस भूस के कोठे में गोला लाठी दे के घेर दो और 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे इतना बजावे साले, इतना जय श्री राम बोलना बंदला कर दे। अरे देश एक संविधान, एक संविधान से चलेगा देश, यह इनके भगवा कहने से चलेगा है, या मस्जिदों के गुंबद तोड़ने से चल जाएगा, या माइक उतारने से चल जाएगा। कंपनी जो सरकार आज देश में चल रही है ये कर रही है, ये छोटे छोटे नेताओं मंत्रियों को डरा के अपने में शामिल कर रही है और अपना एजेंडा मजबूती से कर रही है। ईडी से डरा के, सीबीआई से डरा के, इनका वही एजेंडा है अंग्रेजों वाला, इंडिया कंपनी वाला एजेंडा ठाउ घूम रहे। पहले तो तड़के रहता है श्री राम और सांझ को दारू पीते होता, जय श्रीमान जय श्रीमान। अभी यहाँ छत्तीस खाप पहुंच चुकी है, छत्तीस बिरादरी पहुंच चुकी है, खाप चौधरी यहाँ आ चुके हैं और जो आगे की रणनीति है वो बैठ के कमेटी द्वारा, खाप चौधरी द्वारा बनाई जाएगी, आगे क्या निर्णय लिया जावे। और एक बड़े आंदोलन का रूप यहाँ से ले लिया है, सरकार ये चाहती है इन पहलवानों को न्याय ना मिलके एक बहुत बड़ी राजनीति हो। आज जो देश के हालात हैं, देश जो कंपनियाँ चला रही हैं और इन्होंने जो आज देश के हालात कर रखे हैं, एक न्याय के लिए, एक महिला के मतलब सम्मान में, एक पहलवान सितारा देश की बेटी, उनके साथ ये हाल है, तो आम बेटी और आम महिलाएं कहाँ सुरक्षित है देश में बताओ। मैं आज देश में सबसे ज़्यादा गतिविधियाँ गलत चल रही हैं, अगर हम बात करें देश की, तो देश कंपनियाँ चला रही है, पहले कंपनियाँ ईस्ट इंडिया जिन्होंने अंग्रेजों ने राज कराया देश में, छोटे छोटे रियासतों को मिला के और डरा धमका के उन्होंने राज करा। आज यही काम ये कंपनी जो सरकार आज देश में चल रही है ये कर रही है, ये छोटे छोटे नेताओं मंत्रियों को डरा के अपने में शामिल कर रही है और अपना एजेंडा मजबूती से कर रही है। ईडी से डरा के, सीबीआई से डरा के, इनका वही एजेंडा है अंग्रेजों वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, बस इस देश में राज करना और लूटना बस। और आज देख लो देश के हालात क्या है, 133 करोड़ से ज़्यादा देश की आबादी है, आज देश में स्थिति बता दो ना क्या है। आज दिल्ली देश की राजधानी है, जब यहाँ बेटियों को, यहाँ खिलाड़ियों को जो अपना मान सम्मान नहीं बचाया जा रहा, यहाँ उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, तो और बताओ और कहाँ न्याय मिलेगा बताओ। आज जंतर मंतर 15 दिन हो गए आज बैठे बैठे देश की बेटी ने, देश के खिलाड़ी ने, जब इनके साथ में न्याय नहीं हो रहा, तो आम बेटी आम महिला कहाँ सुरक्षित है देश में बताओ। हम आज इतना बड़ा मतलब इशू बना दिया, क्या करना था। अरे सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करा दी है, इसमें पुलिस, दिल्ली पुलिस का क्या काम है, बुला के मुस्लिम को तलब करके कोर्ट में पेश करना चार्जशीट लगा के, क्योंकि दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही भाई इसमें भाई। क्या गृह मंत्रालय क्या दबाव है, क्या अमित शाह से इतनी डरी हुआ है दिल्ली पुलिस, क्या मतलब इनका ये मामला चलेगा, आप काम नहीं करने दोगे दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस काम करेगी तो देश में जो समर्थन देने आएंगे खाप चौधरी किसान उनको रोकोगे बॉर्डर पे, मतलब देश में एक तरह का झंडा चला रखा है भाई, ठीक है जो तुम कर दोगे वही ठीक है, मतलब ना कोई न्याय की बात नहीं करेगा, ना कोई धर्म की बात करेगा, ना कोई बेटे के सम्मान की बात करेगा। ये बेटी पढ़ाओ बेची बेटी बचाओ, आज ये चल रहा है देश में बताओ। आज देश के हालात खराब हैं और ये हालात जब तक सरकार रहेगी ऐसे ही रहेगा, देश के जनता को, देश के युवा को, देश के नौजवान को जागरूक होना पड़ेगा और ये सरकार बदलनी पड़ेगी, जब इस देश का भला हो सकता है, तभी बेटियों को सम्मान मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। भाई लोकतंत्र छोड़ा कहाँ इन्होंने, न्याय प्रणाली क्या है, न्याय प्रणाली है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज हो गया, एक देश एक संविधान कानून तो चलेगा, संविधान से तो देश चलेगा, इनके कहने से चलेगा। जब एफआईआर दर्ज हो गई है, संविधान हमारा ये कहता है जिसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है, दिल्ली पुलिस उस पर कार्रवाई करे, तलब करे, उसे कोर्ट भेजे, जेल भेजे, उस पर कार्रवाई तो करे। दिल्ली पुलिस ने अब तक बात नहीं करी उससे, क्यों नहीं करी भाई, लूट मचा रखी है देश में, मतलब अपना काम करना नहीं जानते, इतने गृह मंत्रालय अमित शाह के डर में, मोदी के डर में आप रह रहे हो, ये कब तक चलेगा देश में, कब तक एजेंसियां इनके डर में काम करेंगी, ये बिल्कुल भी देश में नहीं चलेगा। बहुत जल्दी देश की जनता जागरूक होने वाली है, 2024 के चुनाव में और 23 में तो चुनाव होंगे, देश की जनता वोट की चोट से जवाब देगी, अपनी बेटियों का सम्मान वापसी लेगी ने वोट की चोट। जनता से, सभी देशवासियों से यही अपील है, ये बेटी देश की बेटी है, जब ये देश के लिए मेडल लाती है, विदेशों में डंका बजता है, तिरंगा ऊंचा होता है, वहाँ किसी धर्म जाति का नाम नहीं आता है, वहाँ सिर्फ भारत देश का नाम आता है, इंडिया का गौरव ऊंचा होता है, भारत का गौरव ऊंचा होता है। अगर ये भारत की वही बेटी है जिन्होंने देश का नाम ऊंचा करा, आज ये बेटियों का यहाँ ये हाल है, 15 दिन हो गए धरने पे, दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ब्रजभूषण सिंह पे, मतलब ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, ब्रजभूषण को मतलब इतना बड़ा बवंडर बना दिया इन्होंने, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर ये देश के सितारे यही सुरक्षित नहीं है तो आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। भैया जाग जाओ, मेरी देश के युवाओं से, बहन बेटियों से, सभी से, मातृशक्ति से सभी अपील है, इनका जो झूठा चोला चल रहा है सरकार का, इन्हें पहचानो, ये लोग बहुत बड़े ढोंगी लोग हैं। इस देश में जो सरकार चल रही है वो कंपनी की चल रही है, ना कि बीजेपी की सरकार चल रही है, और कंपनी की सरकार को इस देश से उखाड़ने का काम करें, मेरी बस सभी से ये अपील है। जब ही हमें न्याय मिल पाएगा, जब ही हम अपने जो अधिकार है वो अधिकार हमें मिल पाएंगे। तिरंगे को लेकर के ऐसे लहराती है विदेश में, ऐसे तिरंगे को लहराती है
यही तो देश का सम्मान है जब वहाँ पे एक राष्ट्रगान बजता है। ये राष्ट्रगान का सम्मान करते, 52 साल तक तिरंगा इन्होंने अपने उसमें नहीं फहराया मुख्य कार्यालय बार SS ने। अगर इनका कोई भी नेता मंत्री मर जाता है तिरंगा नीचे होता है, भाजपा का झंडा ऊपर होता है। अरे देश एक संविधान से चलेगा देश, यह इनके भगवा कहने से चलेगा है, या मस्जिदों के गुंबद तोड़ने से चल जाएगा, या माइक उतारने से चल जाएगा? क्या किसी की श्रद्धा को या किसी की पूजा को आप ऐसे समाप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। कौन लोग हैं, जैसा अभी वीडियो आई है रामनवमी पे, सवाल ये भी है, जैसे रामनवमी अभी आपने मस्जिद के गुंबद की बात की, सही बात है कि फोटो वीडियो इस तरीके की आई है, लेकिन एक तरफ दूसरे सवाल ये भी है कि वो फिर पत्थरबाज कौन है जो रामनवमी पर पत्थर मारते हैं? यही तो है, यही है पत्थरबाज भी यही है, यही तो है पत्थरबाज। क्या काम करना इन्हें, जब द्रोह पैदा करना है, लड़ाई करवानी, झगड़ा करवाना, भीड़ में जाएंगे पत्थर मार देंगे, पत्थर शुरू दोनों तरफ से, ये काम इनका है। भीड़ में घुस करके शाहीन बाग में भी ऐसे करा, मुजफ्फरनगर में भी ऐसे ही करा, आप जहाँ देखोगे इनको क्या काम करे, भीड़ में घुसेंगे। यहाँ पे जैसे मान लिया हम आंदोलन में रात को आए उस दिन, जैसे हम थे, मान लिया एक दो भाजपा का चापलूस होता तो पुलिस के ऊपर पत्थर मार देता हूँ, पुलिस हमें छोड़ देती, लेकिन हमने शांतिपूर्ण तरीके से करा, पुलिस पकड़ के लिए 14 घंटे रखा हमें, कोई दिक्कत नहीं, हमें 14 साल रख लेते, हमें परेशानी नहीं थी, लेकिन वे होते तो माहौल खराब होता। क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अरे तुम्हारे पिताजी ने भी कह दिया, अब तो जा करके वहाँ से कहो दम है, जय श्री राम नहीं है वो, जय सिया राम है। और मैंने इन लोगों को देखा है जो श्री राम बोलने वाले हैं, आज के टाइम चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, झंडा ठाऊ घूम रहे, पहले तो तड़के रहता है श्री राम, और सांझ को दारू पीते होता जय श्रीमान जय श्रीमान जय श्रीमान, तो श्रीमान को भी भूल जा, क्या कहते हैं, देखना कभी इनको, नोट करना इनकी, जब आएंगे ना शाम के टाइम रैली में से, और वे बोलता आएगा जय श्रीमान श्री राम, भूल जाए श्री राम नहीं, वो सिया राम है, सिया के बिना राम नहीं चलेगा, राधा के बिना कृष्ण नहीं चलेगा। बड़ा आया इन्होंने बोलने में सहूलियत रहे उसमें, अच्छा हाँ श्री राम छोटा सा थोड़ा अंदर सा बना जो श्री राम क्रोधित पूरा क्रोधित अग्रेसिव। अरे राम तो शांति के पुजारी थे, उनको क्या रूप दे रहे हो आप लोग हैं, ऐसा धनुष लगाएंगे उनका तीर लगाते हुए। तो ये बताइए अगर ऐसा कोई कर रहा है तो जिस जो बाकी सनातनी है आस्था रखते हैं भगवान श्री राम में, उनको बुरा नहीं लगता कि उनके उनके पवित्र भगवान का नाम लेकर के कोई किसी को मार रहा है, गाली बक रहा है? लगता है बुरा करे क्या? लगे खूब लगे खूब लगे ये बुरा, ये राम के नाम पर जो पाखंड कर रहे हैं भाई, ये अच्छा किसे लग रहा है? ये जो राम के नाम पर बलात्कार कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, लूट कर रहे हैं, सेना को मरवा रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है किसी को? तो क्या करे, ना तो रहे निकल के और कैसे निकलेंगे? गुरु चाणक्य ने एक बात कही कि अपने से नीचे स्तर के व्यक्ति के साथ कभी बहस मत करना, अपने से नीचे स्तर के व्यक्ति के साथ कभी बहस मत करना, वो तुम्हें अपने स्तर पे लेकर के आएगा और वो उस स्तर का महारत है, वो तुम्हें मात दे देगा। अगर हम ऊपर से आकर के नीचे उनकी गैल लड़ेंगे, साढ़े वाला पड़ेंगे हमारी गैल, तो हम नहीं मराड मार दे, चौथे बेवकूफ है बोल बाल के चले जाएंगे साढ़वा, पर इनका इलाज है हमारे दौरे। आज मैंने बोल दिया मंच से, मगर खाप चौधरी आज एक अनाउंसमेंट कर दो, अगिनंद भक्तों का इलाज करना, अनंत भक्तों का एक ही इलाज है, हर गांव में भूसका कोठा है, उस भूसके कोठे में गोला लाठी दे के घेर दो और 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे इतना बजावे साले, इतना जय श्री राम बोलना बंदला कर दे। अरुणा कहता भाजपा कोई बात आ गई कि आपको जय श्री राम से दिक्कत है? नहीं, हमें कहा सिया राम बोल, साढ़े सिया राम बोल, सिया राम बोल, सिया राम बोल, क्या दिक्कत है? आप अयोध्या में जाके देखो, जितने अंधभगत है कितने गए अयोध्या में, गया अयोध्या मैं देखा चांदी गेट, और मेरे साथ एक मुसलमान था भाई शाहनवाज चौधरी थे हमारे सर है, वो भी जाकर ईंट देखा है वहां से, चांदी गेट देखा, मुसलमानों ने ईंट नहीं दी वहां, सबने दी, उसमें क्या दिक्कत है? अगर हम वहां जा रहे हैं, हम ईंट दे रहे हैं, हमने जाकर के देखा वहां का माहौल, देखा इतनी बुरी स्थिति है, वहां लोग भूखे मर रहे हैं और यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं जय श्री राम की, है वहां लोगों के पास खाने के दाने नहीं है, वहां लोग भूखे मर रहे हैं, अरे जाके तो देखो ना उनका वहां हाल क्या है। वे उनको कहते श्री राम, कहते हो भाई साहब, भाई साहब सिया राम है जी, श्री राम तो इनका है ना भाजपा, हाँ श्री राम तो भाजपा वालों का है ना, वो मेन सिया राम है, सिया के बिना राम नहीं और राधा के बिना कृष्ण। चलिए बहुत शुक्रिया।